तो हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। और हमारे नए ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और जय सीताराम। कुछ आज अपनी बीती और कुछ आप बीती, दोनों बातें करें आज, क्योंकि आज कुछ कहना भी है, कुछ सुनना भी है और कुछ मन की टेंशनें हैं जो आप लोगों संगे बात करें तो हल्की हो सकती हैं, तो इसलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, ये सब्जी किन्ने किन्ने खाई है आप लोग हमें बताना। और ये सब्जी है ना, बहुत सारी सब्जी आ रही है, अब अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ये सब्जी द्वारे लिख के जा रही थी बेचने वाले, तो मैंने उनसे ले ली है। और ये सब्जी बहुत अच्छी है, बहुत काम वाली है, क्योंकि ये सब्जी क्या है, हड्डियन का दर्द, जोड़न में दर्द जो होते हैं, ये सब्जी खाने से वो दर्द हल्के होते हैं। और कहते हैं ना कि ये सब्जी खाने से जोड़ का दर्द कम हो जाता है, तो पता नहीं है ऐसी कुछ है बात की नहीं है, हमें पता नहीं है, पर ये सब्जी मेरी मम्मी की फेवरेट सब्जी रहती, मतलब मम्मी को बहुत पसंद रहती ये सब्जी, जैसे आप लोग देख रहे हो। और मेरी मम्मी के लिए मैं आज कौन सी ये सब्जी आती करें, मतलब ये तोड़ के लाते हम लाते, तो आज मेरी मम्मी नहीं है, पर उनकी ज़िंदगी में कमी जो है ना वो पूरी नहीं हुई सकता है। पर माँ तो माँ ही होता है, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर माँ की कमी पूरी नहीं हो सकता है। इसलिए तो ये सब्जी देख के मम्मी के बारे में थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्या कनेक्शन है माँ का ऐसा था। आई लव मम्मी। बताओ किस किस को अच्छी लगी है ये सब्जी। आप लोगों को एक बात बताऊँ, सच्ची सच्ची, आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, बहुत सारे देखे हुए हैं, पर आपको एक बात पते की बता रहे हैं कि ज़माने में ऐसा होता है कि जिसे इंसानों के बारे में बताएं, बहुत से ऐसे लगाते हैं तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है ना, बहुत सारे ऐसे लगाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से इंसानों देखे हुए हैं, बहुत सारे देखे हुए हैं, जो आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, मुँह पे कुछ और बोलते हैं, जिसे वो कहानी नहीं सुनी हमने, मन में राम बगल में ईटा, मिल जाए राम धमक दे ईटा, तो ये कहानी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसे मन पे कुछ, मन सामने कुछ और होता है, इंसानों के पीछे कुछ और रहता है, ये दुनिया है। तो मैं क्या है, ये दुनिया से बहुत दूर हो चुके हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हुई है। खुश क्या हुई है अपनी ज़िंदगी में, क्या तेरी क्या मेरी, सब तेरी मेरी बेकार होता है, तेरी चार उसकी को चार अपनी सुनो, इसलिए अपने मस्त रहो, भगवान का नाम लो, माता जी का नाम लो अपनी, और समय मिले तो अपना समय ऐसे दे दो, अपने दो टाइम मिले तो भगवान का ही नाम ले लो, क्योंकि जितना हम मेरी तेरी करूँ और जितना अपने अपने करूँ ना, उतने ही अपने अपने से दूर चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, जो भी है जाना है। तो आप लोग देखो, ज्योति आ चुकी है, ज्योति मस्ती कर चुकी है, तो ज्योति खा चुकी टोस, ज्योति खा चुकी चीज है ना, और ज्योति की नानी कर रही है सब्जी साफ। ज्योति क्या कर रही, तो आप लोग देखो ज्योति को, हाय कर दो, बोलो हाय गाइस, हाय गाइस, उधर बोलो हाय गाइस, हाय गाइस, बोलो दे तो है ना, मैं तो मार देती थी ना, मम्मी के लिए दिख गई थी। अच्छा हाँ। और ज्योति, ज्योति नानी, हाँ बाबू, तो ज्योति तुम मुझसे प्यार करती कि नहीं करती, ज्योति कुछ सफाई कर दे। अरे ज्योति उसकी सफाई नहीं करनी है, ज्योति जाकी को, तुम नानी से प्यार करती कि नहीं करती, करती हूँ, लेकिन कल ये मना कर रही थी कि मैं नानी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं पापा की ज्योति जोता हूँ, मम्मी की ज्योति हूँ, नानी नानू की जो भी नानी की गुड़िया हूँ, और क्या बोलती थी कल, दादी की नायरा हूँ, दादू की नायरा हूँ, पर नानी की नहीं हूँ। तो ठीक है गाइस, तो कैसे हो, बढ़िया है ज्योति, बढ़िया है, अब ज्योति के फोटो खींच दो, अब ज्योति की फोटो खींच दो,
ये मेरी ज्योति है, देखो नैनी। हाँ ज्योति, ओ ज्योति, ज्योति एक बात बताओ, तुम बड़ी हो? अच्छा बात सुनो, टिल्लू मारे आ जाओ ज्योति, देखिए का कह रहे हो टिल्लू, ज्योति गंदी है, गंदी है तू, सही बता, सही बता, सही ज्योति, ज्योति देख तो मौसी आएगी क्या, मौसी देखते देखते कोमल मौसी आएगी क्या, नहीं आई, नहीं है ना, अरे तो तुम बात तो सुना हुआ है, हाँ देख ज्योति,